दूसरा तिमोथियुस की किताब दूसरा अध्याय में 11 वचन से पढ़ लेते हैं। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। 13 वचन, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप अपना इनकार नहीं कर सकता है। तो आज हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विषय में आज हम मनन करने वाले हैं। परमेश्वर, हम कैसे कहते हैं परमेश्वर विश्वास योग्यता है, परमेश्वर की सच्चाईता को कैसे हम जानेंगे? तो इसमें तीन भाग को हम देख सकते हैं। एक है परमेश्वर का कैरेक्टर्स के हिसाब से विश्वास योग्य, इस कैरेक्टर इनका जो स्वभाव है नहीं बदलने वाले हैं, कैरेक्टर ही है विश्वास योग्यता है, सच है। परमेश्वर का एक स्वभाव है वो झूठ नहीं बोल सकता है कि नहीं, अपने वचन को इनकार नहीं करेगा, मतलब जो बात उसने बोल दिए अपने आप को इनकार नहीं करेगा, मतलब वो नहीं बोलेगा मैंने ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोल देंगे, बोलते हैं आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर के स्वभाव है वो कभी भी इनकार नहीं करेगा, उनके स्वभाव के हिसाब से विश्वास योग्य है, मतलब वो अटल रहने वाले हैं। देखिए, कोई भी आदमी से हमको व्यवहार रखना होता है, इसमें आदमी अगर बदलते जाते हैं बहुत तकलीफ होता है, ऐसे आदमी से व्यवहार करना भी प्रॉब्लम है। भाई कभी प्रेम दिखेंगे, कभी पता चला नफरत दिखाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा उसके मन में क्या है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव अटल है, उसका कैरेक्टर एकदम फिक्स है, वो पूरा बाइबल से पता चलता है हमको। तो उसके हिसाब से अगर हम उसको व्यवहार रखेंगे, हमको ये पता चलेंगे वो विश्वास योग्य है। कुछ लोग परमेश्वर की विश्वास योग्यता को संदेह किया, बाइबल में भी हम देख रहे हैं, कभी कभी हमारे जीवनों में भी कभी हमारे पास ऐसे सिचुएशन आ जाते, परिस्थिति आ जाते हैं कि हमारा मन में भी ये सवाल उठ सकते हैं, क्या सचमुच में परमेश्वर ईमानदारी है, क्या विश्वास योग्य है कि नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ हुआ नहीं होगा, कुछ गलत हो गए होंगे, ये सब देखते हुए हम ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ लिख रहे हैं हम सहते रहेंगे, उसके साथ राज्य भी करेंगे, उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे, अगर इनकार करेंगे वो भी इनकार करेंगे। अगर अविश्वासी भी होते हैं, बोलते हैं हमारा कैरेक्टर को बता रहे हैं, हमारा कैरेक्टर में अगर कोई आदमी अविश्वासी जैसे हो गए, बोलते अगर यदि अविश्वासी भी हो तो भी वह तो विश्वास योग्य रहेगा, एक आदमी के वजह से वो अपने आप को नहीं बदलेगा, एक आदमी के कारण वो उसका कैरेक्टर नहीं बदलेगा। एक बार उनके चेले लोग यीशु से आके पूछ रहे थे, प्रभु जी इस समरणी गांव वाला को हम आग लगाना चाहते हैं, क्या लगाना है, आग लगा देते, एलिया जैसे आग लेकर आते हैं, हमको ऐसा प्रार्थना सिखाए आपने कि पहाड़ को भी अटा सकते हो, हम ये लोग पहाड़ ये लोग हम अटा दे रहे हैं। कभी कभी प्रभु जी पहाड़ अटाने के लिए बोला, हम आदमी को अटाने की कोशिश कर, ये लोग परमेश्वर का कैरेक्टर को नहीं समझ रहे। तो मैंने बोला परमेश्वर का स्वभाव को जानेंगे, उसके विश्वास योग्यता उसके हिसाब से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति है वो ना बदल नहीं सकते, वो बदल जाएंगे तो सब प्रॉब्लम हो जाएगी, ये चीज बहुत याद रखना। परमेश्वर का उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहिए, कभी कभी क्या हमारे लिए वो नहीं बदलता है, हमको थोड़ा नाराज भी होते होंगे, हमको थोड़ा दुख भी होते होंगे, प्रभु जी क्यों नहीं किया, भाई वो नहीं बदला, उसका कैरेक्टर है कि नहीं, उसका स्वभाव है, वो नहीं बदलेंगे, तरस खाते हैं बात अलग है, लोगों के लिए वो दुख होते हैं बात अलग है, लेकिन कुछ बातों में परमेश्वर अपना आपको बदल नहीं पाएंगे। भाई त्रियग परमेश्वर तो त्रियग परमेश्वर है, वो नहीं बदलेंगे मेरे कारण कोई किसी के कारण, वो एक
उसके स्वभाव है प्रेमी है तो प्रेमी है, अगर दंड देना तो दंड भी देना ही, उसमें नहीं बदलेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमारे बच्चों को हम कभी कभी हम धमकी भी देंगे, डांटेंगे, बोलेंगे खाना नहीं खिलाएंगे, जाओ भागो, भाग जाओ, भगाते हैं बाद में हम नहीं भगाते हैं भाई, हम बोलते हैं भाग जाओ, पढ़ेंगे नहीं तो भाग जाओ कहीं। आजकल इतना बोलते नहीं, लेकिन हमारे जमाने में तो काफी बोलते थे, वो सुन सुन के हम लोग भी एकदम मोटा चमड़ी वाला हो गए। लेकिन आजकल बच्चे लोग इतना माँ बाप बोल डर जाते शायद भाग ही जाएगा, ऐसा हालत है अभी तो। देखिए हमारा मन की हमारा व्यवहार ये है कि हम सोचते हैं ऐसा डराएंगे तो शायद ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन बात में हम करते नहीं। मतलब इसमें भी हमारा वर्ड में एक फिक्स नहीं, हमारा कैरेक्टर में फ्लॉ है ये। हम लोग कैसे भी काम निपटाने के लिए ऐसे बोल देते हैं, लेकिन सचमुच में बोलते हैं तो परमेश्वर के मामले में ऐसे नहीं। परमेश्वर का कैरेक्टर फिक्स रहता है, अगर वो किसी को बोला भाई मैं दंड दूंगा उसके स्वभाव के हिसाब से वो बोला है तो उसमें वो ठीक ठीकेगा, उसमें कुछ भी हो कुछ भी हो। नोआ के हिसाब से बोला था, नोआ के जमाने में बाढ़ आने के लिए बोला, आया कि नहीं, आया कि नहीं आया। अभी लास्ट में कैसे बजे कैसे होने वाला है दुनिया का नाश, हाँ आग से। तो क्या प्रभु जी आग डाल दिए, आग आ गए पता चला अरे ये कंपनी जल रहा है ये जल रहा है चलो जाने तो बुझा दो, ऐसा रोकेंगे? कुछ नहीं रोकने वाले। मैं यही बता रहा हूँ उसके कैरेक्टर है एक फिक्स है, उसके स्वभाव बाइबल में है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है उसके कैरेक्टर के मुताबिक। तो इसलिए अगर हम प्रार्थना करेंगे उसके कैरेक्टर्स इन लाइन विद दिस कैरेक्टर, उनके स्वभाव के अनुसार अगर हम प्रार्थना करेंगे हम उसके विश्वास योग्यता को जरूर हम अनुभव करेंगे। लेकिन धीरज रखो, सहते रहेंगे, बोलते हैं अगर धीरज से हम सहते रहेंगे उसके साथ राज्य भी हम करेंगे, उसके साथ मरेंगे उसके साथ जिएंगे भी। तो उसके स्वभाव से जुड़ जाओ, उसके स्वभाव के सबसे प्रार्थना करो, जो चीज के लिए हमको मरने के लिए बोल रहे उसमें मर जाओ, जो चीज को सहन करने के लिए सहन, उसके स्वभाव के हिसाब से प्रार्थना का जवाब मिल सकता है। अगर मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु जी उस आदमी का मेरा दुश्मन है उसको मार डालिए, हाँ एक साल भी प्रार्थना करूंगा उसके स्वभाव के अनुसार वो नहीं है। मैं कितना भी प्रार्थना करूंगा 40 दिन उपवास भी मारो, एक काना भी नहीं खाएंगे कुछ नहीं करेंगे मर भी जाए तो मेरा अरे आदमी मर रहा है क्या करेंगे चलो इसके लिए इसको मार देते, ऐसा तो प्रभु नहीं करेंगे। कंपनियों में होता है, अभी हमारा एक भाई को ट्रांसफर कर दिया था वो जिसमें मैं जब काम करता था, वो आदमी ने क्या करा हंगर स्ट्राइक रख दिया। क्या स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक, जब तक मेरा ट्रांसफर नहीं बदलेगा मैं मर ही जाऊंगा, भले खाना भी नहीं खाऊंगा लेकिन मेरा ट्रांसफर कैंसिल हो जाना चाहिए। फिर बड़े साहब लोग आए डर गए, भाई ऐसा कोई था, ऐसा तो नहीं है ये सचमुच में मरी जाए, मरेगा तो नहीं है, लेकिन डर के मारे लोग ट्रांसफर को ही कैंसिल कर। लेकिन हमारा प्रभु के साथ ऐसा खेलकूद नहीं चलेंगे, अगर कोशिश भी करो फालतू का तो आपको ही तोड़ना पड़ेगा उपवास को, नहीं तो मर जाना पड़ेगा। मरेंगे तो भी वो आपकी वजह से आसमान को गिरा के कुछ करने वाले नहीं, जो उनको करना है वो ही करेंगे, उसका फिक्स है। लेकिन बहुत प्रेमी है, बहुत तरस खाने वाले हैं, लेकिन उसका एक कैरेक्टर है, हमें थोड़ा कभी तकलीफ भी होते होंगे लेकिन वही जो कैरेक्टर है जिसके वजह से पूरा दुनिया चल रहा है, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। एक एक आदमी अमेरिका से एक आदमी प्रार्थना करेंगे, इधर से एक आदमी दूसरा प्रार्थना करेंगे, भाई एक आदमी बोलेगा एक बच्चा प्रार्थना करेगा प्रभु जी आज मुझे स्कूल जाना है मेरा छाता फट गया है आज बारिश नहीं आने दीजिए, चलो उस बच्चे के लिए बारिश रोक दिया। पता नहीं वहाँ किसान प्रार्थना कर रहा होगा प्रभु जी मेरा खेत वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है बारिश दीजिए, तो क्या करेंगे फिर, है कि नहीं? तो उसका कैरेक्टर के हिसाब से करेंगे, फिक्स है वो।
बच्चों को समझना चाहिए भाई, हमको भी परमेश्वर की तरीका समझ लें, उसके कैरेक्टर जान लें। यूना जो प्रॉफिट था वो प्रभु के साथ नाराज हो गया, है कि नहीं? प्रॉफिट्स भी नाराज होते हैं, ऐसा नहीं, वो लोग परफेक्ट लोग थे। क्यों नाराज हुआ मालूम है? उसने परमेश्वर की स्वभाव को नहीं समझ पाया था, परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझ पाया। तो परमेश्वर का जो है, मैंने बोला दंड देने के लिए बोलेंगे दंड दे देंगे, लेकिन उसमें भी उसने एक क्लास रखता है, अगर आदमी मन फिरेंगे मैं उसके ऊपर तरस खाता हूं, वो उसका स्वभाव है। भाई दंड देने के लिए बोला तो दंड दे ही दूंगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी एक, उस फ्रेमवर्क के अंदर भी एक क्लास है, अगर मन फिराएंगे हम उसको तरस खाएंगे। तो परमेश्वर के उस स्वभाव को उसने एक ही पिक्चर को देखा, एक ही बात को देखा, परमेश्वर दंड देंगे, लेकिन वो भी तो है, उसका कैरेक्टर को पूरा जानेंगे, उसके हिसाब से हम व्यवहार करेंगे, उसके हिसाब से हम प्रार्थना करेंगे, उसके हिसाब से हम नाराज नहीं होंगे। नाराज हम हो जाते हैं क्योंकि हमारा समझ में कमी है। आज ये तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए। नंबर वन, उनका कैरेक्टर में फेथफुल है, ये विल बी फेथफुल टू हिज कैरेक्टर, ई विल नॉट डिनाई हिमसेल्फ, वो अपना आपको इनकार नहीं करेगा, अपना आपको दूसरा रूप धारण नहीं करेगा। लोग बोलते हैं ना भगवान अलग अलग अवतार में आता है, ऐसा तो नहीं है, यीशु मसीह भी ऐसा अवतार नहीं है, ऐसा नहीं, मनुष्य के मतलब ये ऐसा अवतार लिया ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर मनुष्य के शरीर में आया है, अपना आपको प्रकट किया है, हाँ, ऐसा नहीं बाद में गाय का अवतार में आ जाएंगे, ऐसा ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रूप अलग अलग रूप, भगवान भी अलग अलग रूप में, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर अलग अलग रूप नहीं, परमेश्वर अलग अलग बदलते नहीं, शैतान करता है, वही शैतान का खेल है, वो अलग अलग रूप में लोगों के पास आएगा। एक आदमी का आदमी को बोलेगा कोई भगवान है ही नहीं, किसी को बोलेगा हजार भगवान दोनों के पीछे वही शैतान ही खेल कूद कर रहा है, तो उसका स्वभाव है। लेकिन परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, त्रित्व परमेश्वर है, वो हमको प्रकट किया है, उसका स्वभाव को जान लो, उसके नेचर को जान लो, उसके हिसाब से फेथफुलनेस को अनुभव कर पाएंगे। नंबर वन, कैरेक्टर के हिसाब से फेथफुल। दूसरा चीज, उनके कॉलिंग क्या है? बुलावट, बुलाने में विश्वास योग्य, जिस चीज के लिए बुलाएंगे उसमें विश्वास योग्य रहेंगे। अगर मुझे बुलाए, आपको बुलाए, सबको बुलाए, ऐसा नहीं सोचना है पास्टर्स को भी प्रभु पास्टर्स को ही बुलाए, सबको परमेश्वर बुलाया है, आपको बुलाया, बुलाया बुलाया ना, आपको भी बुलाया। एक तो देखिए किसके लिए बुलाया, बाइबल में देखोगे पवित्र होने के लिए बुलाया, वो तो लिखा ही है कि नहीं? बुलाने वाले परमेश्वर विश्वास योग्य है। तीसरा चीज, उसके कवनंट में विश्वास योग्य रहे। कवनंट मतलब एक वाचा बांधने में, वचन देने में, वाचा बांधने में विश्वास योग्य है। कैरेक्टर में विश्वास योग्य है, उसके कॉलिंग में विश्वास योग्य है, उसका कवनंट में विश्वास योग्य है। क्या क्या बताया मैंने? हाँ, कैरेक्टर में, कॉलिंग में और कवनंट में, ये तीनों के लिए मैं आपके कुछ वचनों को बताना चाहता हूँ। देखिए ये सब आप समझ लो, ये सब समझ लो, परमेश्वर की स्वभाव को जान लो। देखिए क्रूस की बलिदान की क्या जरूरी था, मैं आपको समझाता हूँ क्यों परमेश्वर को, हाँ, यीशु मसीह को दुनिया में पिता को पुत्र को भेजने का क्या जरूरी था, वो इतना क्रूर रीति से मरने का क्या जरूरी था? क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसका स्वभाव है कोई भी पापों को दंड देने बगैर रह नहीं सकते, उस दंड किसी के ऊपर डालना ही पड़ेगा। इसके लिए पुत्र को भेजा है, हमारा पापों की प्रायश्चित होने के लिए। अगर वो हमारा पापों की प्रायश्चित नहीं होता, हम किसी का पापों की क्षमा नहीं हो सकता था। परमेश्वर का ये भी एक स्वभाव है, उसकी कैरेक्टर है, उसके अटल रहने वाला स्वभाव है, ना बदलने वाला स्वभाव है, तभी तो दुनिया चल रहा है, तभी तो सब चीज जुड़े हुए हैं, नहीं तो सब भीतर भीतर हो जाएगा। परमेश्वर ऐसा नाटक करते रहेंगे, अलग अलग रूप धारण करते रहेंगे, कोई भी चीज ठीक नहीं पाएगा। इसके लिए उसका कैरेक्टर है, फिक्स है, लेकिन इसमें उसके अंदर में, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर में, उसके कैरेक्टर के अनुसार हम उसका अप्रोच करेंगे
जरूर हम उसको पहचानेंगे, उसके विश्वास योग्यता को समझ लेंगे। कभी हमको लग रहा है प्रभु झूठा है, प्रभु कुछ गलत बोल दिए हैं, मतलब ये तो हमारा ही समझ में प्रॉब्लम होगी, हम कुछ चीज़ों को नहीं समझे हैं, कुछ क्लासेस को हम टेक कर नहीं किए, उसका हम अकाउंट फॉर नहीं किए, उसका हम जुड़ा नहीं है, एक आधा करके हम दे करके हम आगे बढ़ गए हैं, हाँ बाद में हम सोचते प्रभु मुझे हाथ छोड़ दिया, होता है। हमारा एक सेवक था तमिलनाडु में, अच्छा सेवकाई कर रहा था, हाँ अचानक उसने क्या बोल दिया, मुझे नॉर्थ इंडिया में जाना है। प्रभु से पूछा नहीं, पूछा कि नहीं पता नहीं, उसने सोच लिया कि प्रभु बुला रहे, लेकिन आ गया नॉर्थ इंडिया में, हिंदी भी नहीं मालूम, कुछ विश्वासी भी नहीं मालूम, कहीं जाकर के सेवा शुरू किए, थोड़ा दिन किया, बाद में सब वाइंड अप करके चला गया। तो देखिए कितना प्रॉब्लम हो गया, अपने तमिलनाडु के चर्च वाला को भी तकलीफ हुआ, इसका भी तकलीफ हुआ, परिवार को भी तकलीफ हुआ। जैसे कभी कभी हमारा एक गलत निर्णय सभी का जीवन में, उसके परमेश्वर के स्वभाव को जान लेना चाहिए। कभी कभी क्या है, लोगों को एक मिशनरी कॉल किसने दे दिया, मिशनरी जाना है जाना, भाई जाना है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानो, उसके स्वभाव को जानो, कैसे काम कर रहे हैं तरीका को जानो। हम आगे बढ़ गए, अरे बेचारा क्या करेंगे, इसने आगे बढ़ दिया, चलो इसको मैं मदद कर लेता हूँ, ऐसा परमेश्वर आपके लिए हाँ गुम जाएगा ऐसा जरूरी नहीं, प्रभु कृपालु है। कभी कभी हमारे गलतियां होते तो भी प्रभु मदद कर लेते, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, लेकिन कभी कभी हम ये समझना चाहिए परमेश्वर के काम करने का तरीका है। और ये भी सोच लो, ये भी समझ लो, सब चीज़ प्रभु का खेल नहीं है, दुनिया में जो भी हो रहा है परमेश्वर से हो रहा है, ऐसा हम सोचते रहेंगे हम समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर का स्वभाव को। पुराने नियम की बात था, पुराने नियम में काफी वचनों का पढ़ोगे हाँ, कुछ वचनों में ऐसी बात आएगी कि परमेश्वर ने कर दिया, परमेश्वर ने नहीं किया है कि नहीं। अय्यूब बोलता था ना, प्रभु आपने दे दिया आपने ले लिया, भाई प्रभु ने नहीं लिए, आप तो कहानी का वो तो अभी तो पूरा पिक्चर हमको आ गया, उसके पास पूरा पिक्चर नहीं था, लेकिन हमको हमारे पास तो पूरा पिक्चर है, वहां तो लिख रहे हैं शैतान ने आके ले लिया। तो काफी लोग अच्छे लोग भी, इवन याकूब भी कभी कभी बोलता था, और याकूब के जो बड़े बच्चे लोग हैं, जब मिस्र देश में गए थे यूसुफ को मिलने के लिए, वो बहुत ड्रामेटिक स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वहाँ जा रहे थे, वहाँ पर यूसुफ ने भी थोड़ा ड्रामा एक्टिंग किया, सिमियन को पकड़ के रख दिए और जाओ बेंजामिन को लेकर आओ, ये लोग रोने लगे, और आपस में ये लोग तो बात कर रहे हैं, उन भाषा यूसुफ समझ भी रहा है, ये लोग आपस में बोल रहे हैं, अरे परमेश्वर हमारा साथ ऐसा क्यों कर दिए, कौन कर दिया, परमेश्वर ने किया। देखिए हमारा स्वभाव है, हम प्रभु को पर दोष डाल देंगे, दूसरा किसी को पर, यही लोग खुद बैग को गड्ढे में डाले थे, यही लोग उसको बेचा था। अभी जब ऐसे ऐसे बातें होने लगे, भुगतने लगे हाँ, जैसा हम नहोमी का भी कहानी हम जानते हैं, नहोमी ने क्या बोला, नहोमी जानते हैं ना, नाम है उसका, नाम है नहीं नाम तो नहोमी है, प्लसेंट, प्लसेंट उसका नाम का मतलब प्लसेंट व्यक्ति है, उसका हस्बैंड का नाम है एली मलिक, गॉड इज माय किंग ऐसा आदमी था, दो बेटे थे, लेकर के वहाँ चला गए मोआब देश में, ठीक है ये सब आ गए वापस आ, बहुत प्रॉब्लम हो गई, दोनों बेटे मर गए, पति भी मर गए, वापस आते हुए वो क्या बोल रही है, परमेश्वर ने मुझे दुखी कर दिया, मूर्ख को नहोमी मत बोलना, मारा बोलो, मेरा नाम बदल दो, अभी मेरा नाम नहोमी नहीं है, मेरा नाम क्या है, मारा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे सताया, परमेश्वर ने मुझे कड़वी जल पिलाया, कौन पिलाया भाई, अपना कॉन्सिक्वेंसेस को वो
अपना गलत निर्णय के परिणाम को भुगतने के समय में काफी लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं, परमेश्वर ने ये सब मुझे कर दिया है। इसलिए मेरे भाई बहन बच्चों लोग, निर्णय लेते हो सबसे पहले टेक इन टू अकाउंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर के स्वभाव को देखिए। दूसरा चीज आपके कॉलिंग को देखिए। तीसरा चीज परमेश्वर का कवनेंट, उसके वाचा हमारा साथ बांधा हुआ, मेरे साथ आपके साथ बांधा है, उस वाचा उसमें पक्का रहेंगे। वो वाचा भी देखो, उसमें भी प्रभु का कैरेक्टर रहेगा, आपका जो कॉलिंग रहेगा दोनों के अनुसार कवनेंट रहेगा। जैसा मेरे साथ जो कवनेंट बांधा, जरूरी नहीं कि तमिलनाडु के दूसरे जो आदमी के साथ परमेश्वर की रिश्ता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे लिए नॉर्थ इंडिया में सेवकाई की मैं कर रहा हूं, लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं, वो भी दौड़ कर इधर ही आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इंसान के अलग अलग, इंसान के कॉलिंग के अनुसार, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, एक एक को दिया गया वरदान के अनुसार परमेश्वर का कवनेंट आपके साथ रहेंगे, उसमें अटल रहेंगे, कभी भी वो पीछे नहीं हटेंगे। मुझे दूसरे के जैसे करने का, प्रटन करने का, नाटक करने का, नका पढ़ने का, दूसरे के जैसे बनने का, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरे लिए जो बुलावट है उसमें परमेश्वर विश्वास योग्य रहेंगे, उसका कैरेक्टर में विश्वास योग्य रहेंगे, कवनेंट में विश्वास योग्य रहेंगे, कॉलिंग में विश्वास योग्य रहेंगे। ये तीन चीज को आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों के अंदर में कभी ये बात आती है, नॉर्मल टाइम में कुछ नहीं आती है, जब भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम लोग, उस समय में हमारा मन में ये होती है, परमेश्वर कैसे व्यक्ति है, क्यों चुपचाप रहता है। अय्यूब भी रो रहा था, आप चुपचाप रहते हो, आपको तो इतना कठिन मन है प्रभु, आपको तो हम क्या करेंगे। और कठिन मुखमा इरुக்கறாரா அவர் திருப்பத்தக்கவன் அப்படி சொல்றான். ஏன்னா பார்த்து எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணி பார்த்து, क्योंकि बहुत प्रार्थना करके देख लिया, रो रो के प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया, सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। वो सोच लिया कि प्रभु बहुत कड़क आदमी है। कड़क नहीं है, बाइबल में अब याकूब में पढ़ोगे तो पता चलेगा, तरस खाने वाला करके लिख रहा है। आखिरी में जाकर के तरस खाया, परमेश्वर के स्वभाव को वहां पर हम देख रहे हैं। हाँ, कर्तर इरक्कमुम मनदुर्क्कमुम नीडिय सांदमुम மிகுந்த கிருபை உள்ளவர், யோகுடைய வாழ்க்கையில் அதை ப்ரூவ் பண்ணி காட்டினார். அய்யூப்க ஜிந்தகிமே பரமேஸ்வரனை பிரமாணித் கற்க திகாயா, பரமேஸ்வர் தரஸ் காணிகள் உஸ்க சுபாவ ஹை, கபி தோடா சமயக்கிலே ஹம்கோ லக் ரஹா ஹை வோ கடக் ஜேசே, லேக்கின் உஸ்கே நா பதல்னே வாலா சுபாவ ஹை வோ தோ ஆப்கோ ஜரூர் யாத் ரக்னா சாஹியே, வோ கபி நஹீ பதலேங்கே, உஸ்கே கேரக்டர் அகர் நஹீ பதல்தே சலா ஜாயேங்கே, ஹமாரே லியே பி ப்ராப்ளம் ஹை, ஹமாரே லியே பி ப்ராப்ளம். தேகோ कुछ आपके माँ बाप को देखो, माँ बाप आपके साथ व्यवहार किए हैं, कुछ आपने बहुत हाथ पाँव मारे होंगे, बहुत कूदे होंगे, फिर भी वो लोग आपको दिए नहीं होंगे, किए नहीं होंगे, अभी जा करके आपको पता चल रहा है उसने अच्छे के लिए हाँ आपके साथ जो किए हैं सही काम होने के लिए, क्योंकि उसको पता था। वैसे परमेश्वर को मालूम है आपके जीवन की सही चीज, उसको मालूम है आपके लिए बुलावट, उसको मालूम है जो बुलावट है, जो आपके लिए काम है, जो चीज के लिए आपको बनाया गए हैं, जो चीज के लिए आपको परमेश्वर दान वरदान दिए हैं, उसी में जरूर विश्वास योग्य रहेंगे, उसमें से पीछे नहीं हटेंगे। अब एक सवाल पूछता हूं, दो बेटे थे रिबिका के लिए, रिबका इसहाक, इसहाक अच्छा आदमी था, है ना, बहुत शांत व्यक्ति है, उसका भी लेट मैरिज हो गया और बच्चा भी लेट में आया है कि नहीं, 40 में शादी किया, 60 में बच्चा जन्म दिए। अभी तो आजकल तो 60 में लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा को 60 में बच्चा, वो भी दो बच्चे हो गए जुड़वाए। तो रिबका ने पूछने लगे, प्रभु जी, उस जमाने में लोग पूछते थे, प्रभु जी जो बच्चे आप दे रहे हैं उसका क्या हिस्सा है आपका, मतलब क्या, क्योंकि नाम वाम उसके हिसाब से लोग रखते थे। तो प्रभु जी ने बोला, छोटा जो है बड़ा के ऊपर अधिकार जताएगा। क्या बात है हा? भाई अभी तक बच्चा जन्म ही नहीं हुए हैं, बच्चे कौन अच्छा है कौन बुरा है कुछ पता ही नहीं है। तो प्रभु ने बोल दिया कि छोटा है बड़ा के ऊपर
अधिकारी बनेगा। नॉर्मली जेठ जो है उसको दो गुना मिलता है, घर के अंदर बड़ा आदमी है उसको दो गुना फल मिलता है और सारे आशीष मिलता है। तो लेकिन ये सब जो ड्रामा बाद में हुआ था, रिबका का ड्रामा, इसहाक का खाने का इच्छा, ये सब चीज बाद में दिख रहे हैं हम लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर आ गया है, बोल रहे हैं छोटा बड़े को अधिकारी बनेगा। तो ये इसका भी चर्चा कर रहा है रोमियो के 9 अध्याय में पौलुस, और बोलते हैं क्या तुम परमेश्वर को बोलेगा अन्याय कर रहा है? हाँ, न्याय करने वाला परमेश्वर अन्याय करेगा? हाँ नहीं, परमेश्वर को आप कैसे बता सकते अन्याय कर रहा है? उसके समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि याकूब बहुत अच्छा था, हाँ ठीक है, खराब ही था, ऐसा भी खराब था, दोनों खराब ही था, ये भी पापी था वो भी पापी था, याकूब भी धोखा देने वाला था और ऐसा भी एकदम कार्नल व्यक्ति था, मतलब शारीरिक अनुसार चलने वाले, इस बार के खाना चाहिए, मुझे चाहिए चाहिए, उसके लिए कुछ भी हो जाओ मैं फेंक दूंगा, ऐसा बोलने वाला आदमी। लेकिन वहां लिख रहे हैं परमेश्वर का विश्वास योग्यता को याकूब का जीवन में क्यों हमने देखा है, क्यों मालूम है? बिकॉज गॉड हैज कॉल्ड हिम, गॉड हैज डिटरमिन्ड, गॉड हैज डेस्टिनेटेड, उनके द्वारा एक जाति उत्पन्न होगी, इसराइल देश उत्पन्न होगी, उसमें दाऊद जन्म होंगे, उस दाऊद के संतान में यीशु मसीह आएंगे, उस यीशु मसीह के द्वारा पूरे विश्व में उद्धार होगी, ये परमेश्वर का निर्णय था, बुलावट था, उस बुलावट वहां लिख रहे हैं कर्मों से नहीं बुलाने वाले से होना चाहिए। रोमियो का 9:11-12 पढ़िए, कोई भी तमिल में पढ़ेंगे, रोमर 9 11-12 வசனங்கள் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கு பாருங்க, ஏன் ஆண்டவர் அப்படி செய்தாரா, கியூ பர்மிஷன் யாக்கூப்கோ ஜாதா ஜகா தியே ஹே, கியூ ஏசாவுக்கு கியூ டுக்ரா தியே ஹே, பர்மிஷர் அநியாய நீ கர்த்தா ஹே, பர்மிஷர் கி புலாவ் கே ஹிசாப் சே பர்மிஷர் வியவஹார் கர்த்தா, ரோமியோ கா 9:11 ம் தேவனுடைய தெரிந்து கொள்ளின்படி இருக்கிற அவருடைய தீர்மானம், கிளை கிரைகளினாலே நிலை நிற்காமல் அழைக்கிறவராலே நிலை நிற்கும், எதனால நிலை நிற்கும்? தெரிந்து கொள்ளுதலின் தீர்மானம், சொல்லுங்க தமிழ சொல்லுங்க, தெரிந்து கொள்ளுதலின் தீர்மானம் கிரியைகளினால் அல்ல அழைத்தவராலே நிலை நிற்கும். இந்திமை படம் ரோமியோ பா நவ் और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इससे कि परमेश्वर की मंशा जो उसके चुन लेने के अनुसार है कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है बनी रहे। बुलाने वाले के कारण बनी रहती है, उनका मकसद जो है उसके निर्णय है बुलाने वालों के कारण, इसलिए परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, हाँ उनके चुन लेने के अनुसार है बना रहेगा, कर्मों से नहीं बुलाने वाले पर बने रहेंगे, बुलाने वाले के विश्वास योग्यता, बुलाने वाले के विश्वास योग्यता, उसने इसको बुलाया है उस बुलावट के अनुसार उसका जीवन में काम किया। क्यों मेरे जीवन में काम किए? मेरे से काफी अच्छे लोग हैं दुनिया में, है कि नहीं? आपसे अच्छे लोग है कि नहीं? आपसे अच्छे लोग हैं, आपसे खुबियत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपको क्यों आशीष दिया, आपको क्यों एक जाति बनाया, आपको क्यों पवित्र बनाया? क्योंकि आपको बुलाया है, आपने उस बुलावट को स्वीकार कर लिया, उस बुलावट में आ गए, उस कलीसिया में आ गए, उस संगति में आ गए, उस उद्धार के अनुभव में आ गए, आपको चुन लिए, चुन लेने के पीछे एक मकसद था, उस मकसद पूरी होनी है, उसके सबसे परमेश्वर विश्वास योग्य रहेंगे आपका जीवन में, जिसके लिए बुलाए, जिसके लिए चुन लिए, जिस मकसद से परमेश्वर ने आपको नियुक्त कर लिए, उसके हिसाब से जरूर वो विश्वास योग्य रहेंगे। अगर आप विश्वास योग्य नहीं भी रहते हैं, परमेश्वर रहेंगे, परमेश्वर रहेंगे, यही हमारे लिए बहुत फिक्स्ड एक नेव है, एक बड़े चट्टान,
भाई मेरे को परमेश्वर बुलाया है, चुन लिया है, चुनने के पीछे एक मकसद है, एक कारण है, उस कारण के पीछे परमेश्वर विश्वास योग्य रहेगा। जो कुछ भी होगा, झूठ मूठ की बात भी लोग करते होंगे, इसके पीछे प्रभु के हाथ नहीं है, उसको भी इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की विश्वास योग्यता प्रकट हो जाएगा। ये मैंने कहा था रिबिका का धोखे बाजू के पीछे परमेश्वर का हाथ था, नहीं मैं नहीं बोलूंगा। और ये इसहाक की खाने का लालच के पीछे प्रभु के हाथ था, ये भी मैं नहीं बोलूं। ये सब इंसान की कमजोरियां, इंसान की कमी घटियां है। जैसे यहूदा इस्कारियोत ने यीशु मसीह को 30 सिक्का के लिए पकड़वाया, बाइबल में लिखा ये तो शैतान ने किया, है कि नहीं, है कि नहीं, किसने किया? शैतान ने उसके अंदर, परमेश्वर ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया उसने। यही परमेश्वर का, परमेश्वर का बुलावट है, एक एक व्यक्ति के लिए है, एक उसके पीछे एक चुन लेने का मकसद है। आपके मकसद कब जान लो, उस मकसद के हिसाब से प्रार्थना करो, परमेश्वर उसमें जरूर विश्वास योग्य रहेंगे। अगर आप दूसरे की बुलावट के हिसाब से आप प्रार्थना करेंगे, हाँ, उसके पीछे परमेश्वर का विश्वास योग्यता का आप गारंटी नहीं है, दे नहीं देख पाओगे। ये बहुत समझने का मुश्किल जरूर है, बहुत जरूरी चीज है। इसलिए लोग ठोकर खाते हैं, सब लोग दूसरे के जैसे बनना चाहते हैं। मैं भी यही बन जाऊं, मैं भी यही बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं भी वो बन जाऊंगा। तमिलनाडु में सबको इंजीनियरिंग बनना है, दूसरा कोई कोर्स दिखता ही नहीं। एक तो इंजीनियर बनना, नहीं तो डॉक्टर, नहीं तो जीरो है। अगर इंसान अगर इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बने, हमारा साउथ के हिसाब से बता रहा हूं, वो आदमी सब, क्योंकि ये सब वचन मालूम नहीं है। परमेश्वर की बुलावट है, उसके पीछे एक चॉइस है, उस चॉइस में एक पर्पस है। आपके जीवन में परमेश्वर की पर्पस जानोगे, उस पर्पस के लिए परमेश्वर फेथफुल रहेगा। कॉलिंग परमेश्वर का है तो उस कॉलिंग के अनुसार कुबियत देंगे, कृपा देंगे, दान वरदान देंगे, मौके देंगे, अवसर देंगे, उसके हिसाब से सिचुएशन आएगा, लोग आएंगे, उसके हिसाब से जो कुछ भी दिख नहीं रहा है, जो कुछ भी आपके सामने अनहोना है, लेकिन अगर उनका कॉलिंग है, पर्पस है, बुलावट है, मकसद है, कर्मों से नहीं, बुलाने वाले से होगा। बोले कर्मों से नहीं, बुलाने वाले से प्रभु का मकसद पूरी होगी। याकूब जीवन में हो गया कि नहीं? हो गया। दाऊद के जीवन में हो गया कि नहीं? बुलाने का मकसद हो गया कि नहीं? बोलो। दाऊद का, दाऊद परफेक्ट था? ठीक है, आप देखो हम लोग पॉजिटिव कन्फेशन का भी हम करते हैं, बहुत अच्छा है, करना चाहिए, बाइबल भी हमको बताती है। लेकिन नहोमी ने क्या पॉजिटिव कन्फेशन किया? नहोमी तो बोलता था मैं तो काली होके आ गया, पूरा गया है मैं, पूरा नेगेटिव कन्फेशंस भी उसने किया। लेकिन प्रभु दयालु है, बाद में जो सही स्टेप्स उसने रखा है उसको प्रभु ने आशीष दिया है। दाऊद भी कभी कभी निराश में ये भी बोल दिया, मैं तो मर जाऊंगा। वो क्या बोल दिया था? मैं एक दिन शाऊल के हाथ में मर ही जाऊंगा। देखिए मैं आपको सब, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, दाऊद की कहानी को हम देखते हैं तो लोग तुरंत क्या बोलेंगे, दाऊद ने गोलियत को गोफन से घुमा घुमा के मारा। बहुत अच्छा कहानी है, लेकिन दूसरा एक कहानी है मालूम है आपको, कौन सा कहानी? दाऊद और शाऊल की कहानी है कि नहीं? दाऊद गोलियत को मारा, इतना बड़ा चीज नहीं था वो, ठीक है बड़ा ही है, परमेश्वर की अनुग्रह से उसने किया है, वास्तव में अच्छा है, लेकिन क्विकली हो गया। कितना टाइम लिया? बहुत फेमस भी हो गए, लोगों ने गाना भी गा रहे हैं,
16,000 को मारा, दाऊद 10,000 को मारा, उसके हिसाब से शाऊल के अंदर भी आग है लग गया। वही जो आग लग गई है इसके वजह से इसका जीवन हैरान हो गए। कभी कभी एक प्रॉब्लम बड़ा दिखते होंगे, सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन दूसरा कोई प्रॉब्लम है, शाऊल जैसे प्रॉब्लम है जिंदगी में पीछे पीछे आते रहेंगे, क्योंकि बुलाव के विरोध में चीजें कार्य करेंगे। परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए बुलाया, चुन लिया, लेकिन शाऊल उसके विरोध में कार्य कर रहा है। तो ये देखते हम लोग भी क्या सोचते हैं, परमेश्वर तो बुलाया राजा होने के लिए, लेकिन वो तो होने वाला नहीं है, मैं तो शाऊल को तो मार नहीं सकता हूँ क्योंकि वो राजा है, जरूर मैं उसके हाथ में एक दिन मर जाऊंगा। मर गया हाँ। एक शमूएल का किताब पढ़िए 27, उसका पहला वचन पढ़िए। वो हैरान हो के लोग बोलते हैं इसके लिए तुरंत, चलो ठीक है ये तो नेगेटिव कन्फेशन किया, इसको मार देते हैं, ऐसा प्रभु तो उसको, वो भी प्रभु का कैरेक्टर है भाई, वो तो प्रभु ऐसा छोटे मोटे चीजों के लिए इंसान को मारने लगेंगे, हम सबको उसको मारना पड़ेगा। இருதயத்தில் யோசித்தான், யா லிக்ரா ஹை படனா பேட்டா, ஹிந்தி மே படோ, பைலா சாமுவேல் 27:1 सोचने लगा नष्ट हो जाऊंगा, मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तीनियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इसराइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा, तो मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। देखिए यही मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी अच्छे लोग भी निराश हो सकते हैं, कभी अच्छे लोग भी गलत निर्णय ले सकते हैं। ये निर्णय सही है, इसमें लिखा है कि उसने प्रभु से पूछ कर लिया था, लिखा है, वो अपना मन में सोच लिया, अपने मन में सोच लिया, वहां चला गया, पागल जैसे एक्टिंग किया, सिगलाग में सेटल हो गए, बाद में सिगलाग में बहुत आग भी लग गए, कितने प्रॉब्लम्स भी आए हैं। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ परमेश्वर ही कर रहा है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हमारा निर्णय भी होता है, गलत निर्णय भी होता है, इसके वजह से हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, कभी हम निराश होकर बोलेंगे प्रभु क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहे शाऊल के हाथ में मैं मर जाऊँगा। लेकिन इसका पहले दो वचन के पहले पढ़िए, 26 में क्या बोल रहे हैं, 24 में पढ़ो, ये क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? 1 Samuel 26:24 क्या कन्फेशन कर रहा है, बोलता है मेरे प्राणों को सब विपत्तियों से परमेश्वर बचाएगा। 1 Samuel 24:24 என்னை எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்களா, பரமேஸ்வர் முஞ்சி சப் விபத்தியோ சே சுடாயேகா, ஐசே விஸ்வாஸ் கர் ரஹா தா, லேகின் யஹான் பர் ஆகர் கே போல் ரஹா ஹை மை ஏக் தின் மர் ஜாவுங்கா। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले उसके आत्मे का निराश हो गया था, निराश होते हुए इस बातों को बोल दिया, फिर भी परमेश्वर का विश्वास, इसलिए मैं कहा था पहले वचन 2 Timothy 2:13 में, अगर हम अविश्वास भी हो जाते, परमेश्वर का विश्वासियों के अटल रहता है,
भले वो निराश में बोल दिया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर का मकसद कर्मों से नहीं बुलाने वाले से पूरे हो गई। परमेश्वर ने उसको बुलाया, दाऊद को राजा बनना है, राजा बनकर उसके सिंहासन को न्याय रीति से उसको बनाना है, उसके संतान में यीशु मसीह आना है, उसके द्वारा विश्व को बचाना है। बुलाने वाले से होगा, कर्मों से नहीं। चुन लेने का मकसद पूरी होने के लिए किसके आधार पर है? मकसद पूरी होने किसके आधार पर? भाई कोई मनुष्य के आधार पर रहने से ठिकाना नहीं रहेगा, ठिकाना नहीं। कोई आपको हाथ पकड़े के रहेंगे उनके ठिकाना नहीं। अगर मैं बोलूंगा सबका मैं हाथ पकड़ के रखूंगा, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा ठिकाना है? इंसान का ठिकाना ठीक है, हम ईमानदारी रहेंगे, विश्वास योग्य रहेंगे, पूरा कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये जरूर याद रखना आपका बुलाने वाले परमेश्वर सच्चा है, वो ही करेगा। किस मकसद से आपको बुलाए? हम पढ़ लेते हैं पहले थिस्सलुनीकियों 5 में बाइबल कहता है बुलाने वाले सच्चा है। 23 और 24, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारा प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वह ऐसा ही करेगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23-24 गुजराती में भी पढ़ो, तमिल में भी पढ़ना। யாருமா உண்மை உள்ளவர்? கோன் சச்சா ஹை ஆப்கோ புலானே வாலே சச்சா ஹை குஜராத் மே மான்சு பைல தேசலோனிக்கு 5:23-24 देखिए आज आप देखेंगे आज प्रभु के आगमन में जाना है, सब तैयार है भाई, तैयार है, आप पूरा परफेक्ट हो गए, कमी घटी नहीं है, कुछ गलती नहीं है, परफेक्ट है भाई। परफेक्ट है कि नहीं? परफेक्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं है, दोनों है। अभी ठिकाना क्या है? यही ठिकाना, हमारा ठिकाना क्या है? पहला थिस्सलुनीकियों 5:24 ही हमारा ठिकाना, क्योंकि बुलाने वाले सच्चा है, वैसे कर उसके दिन तक हम सबको पार कराएंगे। बोलते हैं उस पार ले जाऊंगा, जरूर लेके चाहे बुलाने वाले बुला रहे, आओ मैं उसको दूसरे पार लेके जाऊंगा। भले नाव में आंधी तूफान लग रहा है, शैतान खेल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें उस पार ले जाएंगे। मकसद है आपके जीवन के लिए, एक मकसद है आपका, अपना वैल्यू समझ लेना, आपके काम को समझ लेना, आपको जो दिया गया वरदान को समझ लेना, आपका बुलावट को समझ लेना। कभी पीछे नहीं हटोगे, कभी आपका जीवन में डगमगाएंगे नहीं, बुलावट को समझ कर हम जाएंगे। पूरा प्रभु के विश्वास योग्यता को पता चलेंगे, प्रभु के वचन को जानेंगे, उसके विश्वास योग्यता को जानेंगे, परमेश्वर के स्वभाव को जानेंगे, विश्वास योग्य जानेंगे। इसलिए मैंने 3 चीज बताया, कैरेक्टर ऑफ गॉड, द कॉलिंग ऑफ गॉड, द कवनेंट ऑफ गॉड। बोले कैरेक्टर ऑफ गॉड, कॉलिंग ऑफ गॉड, कवनेंट ऑफ गॉड। अगर ये 3 चीज हम पता चल गए, हम उसके विश्वास योग्यता को कभी डाउट नहीं करेंगे। भले हमको लग रहा है हमारे जिंदगी की परिस्थितियां है, भले आपके अनुकूल में नहीं हो, प्रतिकूल में है, विपरीत परिस्थितियां है, लोग विश्वास योग्य नहीं है। कभी कभी ऐसे भी हुआ है कुछ चर्चस में, हाँ बड़ा पास्टर बड़ा आदमी है, अचानक कुछ पैसा चुरा लिया, कुछ गलत काम कर लिए, तुरंत क्या होते हैं, पूरा कलीसिया टूट जाता है। लेकिन देखो इसके पीछे प्रभु का हाथ था क्या? हाँ? प्रभु ने गलती किया? वो तो इंसान की गलती है, इंसान की गलतियां होते हैं तो, लेकिन परमेश्वर तो विश्वास योग्य है,
कभी भी हम इंसान के चीजों को देखते हुए प्रभु को हम संदेह न करें, प्रभु के कलीसिया को छोड़ करना भागे, प्रभु के प्रेम को छोड़ करना भागे, प्रभु के अच्छे भवन को, परिवार को, अच्छे सुरक्षित स्थान को छोड़कर हम नहीं भागना है। भाई बेतलेहम छोड़ के भागा, भागा कि नहीं? नहोमी एंड कंपनी, बाद में क्या करना पड़ा उनको? घूम के वही आना पड़ा, क्योंकि टेम्पररी है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आपके जीवन में, परमेश्वर की बुलाव के विरोध में जो चीज हो रही है टेम्पररी, भले 20 साल का भी हो वो भी टेम्पररी है, एक दिन खत्म होगी। शाऊल एक दिन खत्म हो गया, एक दिन रास्ता खुल गए, लोग इसको बुलवाकर राजा बना दिए, परमेश्वर का काम हो गए, परमेश्वर की इच्छा हो गई, अल्टीमेटली प्रभु के बुलाव आपके जीवन में पूरी होगी। उसके बाद सब लोग भूल जाएंगे क्या हुआ था, शाऊल ने उसको मारने के बहुत कोशिश किए थे, हाँ वो सब चीज लोगों के चीजों में नहीं आएगा। दाऊद राजा है, वो चीज ये सामने आएगा। दाऊद एक दिन परदेशी जैसे 600 आलतू फालतू बच्चे, आलतू फालतू लोग लिख रहे हैं, जो कर्जा लिए हुए लोग है, नकामा लोग है, काम आम नहीं है, ऐसे लोग उसके पीछे भाग रहे थे। बाद में वही लोग मंत्री वंत्री बन गए होंगे कि नहीं? वही लोगों का अच्छा अच्छा पद मिल गए होंगे, वही लोग दाऊद के साथ रहते, वो लोग भी शूरवीर हो गए, वो भी बड़ा बड़ा पहलवान हो गए। बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, देखिए परमेश्वर की बुलावट है, केवल आपके ही नहीं है, आपके साथ वालों को भी है, उनको भी परमेश्वर बुलाए हैं। अगर मेरे एक बुलावट है यहाँ पर इस उत्तर भारत की सेवकाई में, अगर मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं, आपके लिए एक बुलावट है, आपके लिए इसमें एक बाग है, उस बाग के अनुसार परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करेंगे। उसके लिए जो कुछ भी करना होगा परमेश्वर जरूर कर ही लेंगे। उसके बुलावट के हिसाब से प्रार्थना करो, जरूर काम होगी। उसकी कैरेक्टर के अनुसार प्रार्थना करो, जरूर काम होगी। उसके कवेनेंट के अनुसार, उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करो, जरूर काम होगी। परमेश्वर कभी भी अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। विश्वास योग्य परमेश्वर है। सारा के बारे में बाइबल लिखा है, सारा भी गलती किया। देखो बाइबल में जितने भी लोग हम देख रहे हैं, हम ये नहीं समझना वो लोग बहुत बड़ा संत लोग, ऐसा नहीं है। वो लोग परमेश्वर को पीछे गया। यीशु मसीह ने क्या चीज बोले, भाई तुम मेरे पीछे क्या बोल रहे हैं, मेरे पीछे चलो, मतलब इसका मतलब जुड़े रहो, पीछे ही चलते रहो, तंग करते रहो, उसके परिवार छोड़ो ही मत। यही सारा का जीवन में देख रहे हैं, गलतियां तो किए थे, लेकिन वहां लिख रहे हैं उसने परमेश्वर को विश्वास वायदा किया। परमेश्वर विश्वास योग्य है। इब्रानियों का 11 का 11 पढ़ लेते हैं, वहां लिख रहा है वायदा किया परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। क्या जाना था? प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। गुजराती में पढ़ो इब्रानियों 11 का 11, तमिल में पढ़ेंगे। எப்படிமா பிள்ளை பெற்றாங்க? வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவரா? வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் வாய்தாக்கியா பரமேஸ்வர் சச்சாயி ஹே உஸ்கோ சப்சே ஹம் உஸ்கோ ஜானேங்கே புலாவா பரமேஸ்வர் விஸ்வாஸ் யோக்ய ஹே அவர் பரமேஸ்வர் கா சுபாவி ஹே विश्वास योग्यता न बदलने वाले परमेश्वर है। हजार पीढ़ी के लिए बाइबल कहता है, हजार पीढ़ी, हजार पीढ़ी कितने साल होगा बोलो? एक पीढ़ी चलो ठीक है 50 साल ले लो, 40 साल ले लो, हजार पीढ़ी कितना होगा भैया? 40,000 साल हो गए अभी, हो गया 40,000 साल इंसान दुनिया में आते हुए अभी 6,000 वर्ष ही हुआ। आदम का टाइम दिया गया था 6,000 वर्ष, अभी तो खत्म होने पर है, इसलिए यीशु जल्दी आएंगे। वो भी उसमें भी विश्वास योग्य रहेंगे, उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान अगर मानेंगे भी नहीं यीशु तो आएंगे नहीं, कुछ नहीं ऐसा बोलेंगे, तो भी यीशु तो जरूर
आई। मतलब बोलते हजार पीढ़ी तक में विश्वास योग्य, मतलब हमेशा के लिए रहेंगे, उसके कैरेक्टर में विश्वास योग्य, उसके कॉलिंग में विश्वास योग्य, उसके कवनेंट में, वायदा में, वचन में विश्वास योग्य रहेंगे। इसलिए हम परमेश्वर को पूरा पूरा समझ लेना, उसके बुलावट सच्चाई है, कर्मों से नहीं। कैसे बना रहा याकूब का बुलावट? याकूब भी बड़ा नेगेटिव आदमी था, आप देखो बाइबल में देखोगे काफी जगह पर उसने नेगेटिव बातों को बोला था। हाँ बोलता था मैं तो, अरे बेंजामिन को भी अब ले जा रहे हो, यूसुफ तो मर गया, इसको भी ले जा रहे हो या, मैं तो दुखों से पागल बता रहा हूं। जब बेंजामिन को ले जाने वाले थे वो लोग, ऐसा बता रहे मैं दुखों के साथ पाताल में जाऊं। भाई पाताल में कहां गए, पैराडाइस में गया वो तो वो भी ऐसा था। लेकिन देखिए परमेश्वर ने उसके मन को देखा, भले उसके अंदर निराश हो गए थे, जिंदगी के कठिनाई से, गलत परिस्थितियों से टूट गया था, पहले बहुत गमन भी करता था, लेकिन नम्र हो गया, टूट गया, बाद में उसके अंदर नया जीवन आ गया। जब यूसुफ के कवर सुना तो बाइबल में लिखा है वो पुनर्जीवित हो गया, नया जीवन उसके अंदर आ गया। हाँ एक आदमी नॉर्मल, एक छोटा से आदमी, उसको परमेश्वर ने महान व्यक्ति बनाया है कि नहीं। उसके लिए बाइबल में लिखा है 40 दिन लोगों ने दुख उठाया, और उसके शव को ले जाने के लिए यहाँ से मिस्र देश से बहुत बड़ी गाड़ियां गई, मिनिस्टर्स को जैसे जाते हैं, याकूब एक छोटा आदमी के लिए ऐसा गया। परमेश्वर ने उसको बनाया, उसको बुलाया था, उसको बुलाया, परमेश्वर ने विश्वास योग्य रहा, भले उसके जीवन में गलतियां थी, कमी घटियां थी। मैं गमी घटियां करो इसके लिए मैं इन्हें सब नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूं, परमेश्वर को पीछे चलते रहो। आपके अंदर कमी घटियां भी हो, आप निराश में भी हो, आपके जीवन में दुख भी हो, आपके जीवन में कुछ भी हो, यीशु के पीछे चलते रहने वाला। याकूब भले गिरा था, लेकिन गिर गया ऐसा करके बैठ नहीं गया, उसके उठकर चलने लगा। जैसे पतरस भी देखो, उसने भी गिर गया था, लेकिन गिर के पड़ा नहीं रहा, उठकर चलने लगा। प्रभु का मकसद पूरी होगी। प्रभु ने उसको क्या बोला था, मेरे पीछे चलो, मैं तुझे मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। यही चुन लेने का मकसद है, उस मकसद पूरा होना ही होना। उसके लिए भले पतरस विश्वास योग्य नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा। आज मेरे लिए, मेरे भाई बहन, आपके बुलाने में, चुन लेने में एक मकसद प्रभु ने रखा, उस मकसद के पीछे पड़े रहोगे, प्रभु के पीछे पड़े रहोगे, प्रभु के वचन के पीछे पड़े रहोगे, प्रभु के स्वभाव के पीछे पड़े रहोगे, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगी। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेंगे, परमेश्वर विश्वास योग्य रहेंगे। गॉड इज फेथफुल टू हिज कैरेक्टर, गॉड इज फेथफुल टुवर्ड्स द कॉलिंग ही हैज गिवन यू, गॉड विल बी फेथफुल टू द कवेनेंट ही मेड विद यू। आपके साथ जो वाचा बांधेंगे उसमें जरूर विश्वास योग्य रहेंगे, कभी भी ठोक कर नहीं खिलाओगे, कभी भी धोखा नहीं देगा, प्रभु कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर का स्वभाव ऐसा होता, सारे संसार नहीं चल पाता, परमेश्वर की ये स्वभाव है हमेशा सही बातों को बोलना। इब्रू ने 13 में लिख रहे, यीशु मसीह आज कल हमेशा के लिए एक सा है, ना बदलने वाले। इवन पुराने नियम में भी लिखा, मैं यहोवा हूँ, मैं कभी नहीं बदलूंगा, कभी नहीं बदलेंगे। इंसान की इंसानियत की बातें हैं, दुनिया में होने वाले बातें हैं, कोई कुर्सी में बैठ गया इसके वजह से प्रभु घबराने वाला नहीं। कोई भी बैठने दो, यरोद भी बैठने दो, सीजर कैसर भी बैठने दो, कोई भी बैठेगा, मेरा कुर्सी तो कायम रहेगा, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। और हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। प्रभु आप दयालु है, कृपालु है, हालेलुया, हजार पीढ़ी तक आपकी करुणा सदा बना रहती है, हालेलुया, हमेशा के लिए। लेकिन दंड देने में भी प्रभु जी आप विश्वास योग्य है, हालेलुया, आपके वचन विश्वास योग्य है, आपके बुलाने में विश्वास योग्य है। याकूब के अपने आपने बुलाया है, बड़ी जाति बनाया है, याकूब इन सिर पूछिए निभाया पड़ा दे नानुनोड़े
देखे याद है नानुन देवन, परमेश्वर ने उसके वचन दिया था, उस वचन के हिसाब से उसको बचाया। आज तक हम इसराइल लोगों को हम देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन की विश्वास योग्यता है, परमेश्वर की बुलावट की विश्वास योग्यता है। रोमियो के 11:29 में बाइबल कहता है, देवनुடைய அழைப்பும் கிருபை வரங்களும் மாறாதவைகள், परमेश्वर की बुलाव और उसके वरदान में कभी पीछे नहीं हटेगा, अटल रहेगा, उसके लिए विश्वास योग्य रहेगा। भले वो जाति के लोग कितने भी पीछे हट गए, फिर भी प्रभु उनको पुनर्जीवन देने वाले हैं, उनकी आशा को वापस जीवित कराने वाले हैं। जब मसीह विरोधी आएगा, उसके बाद जब परमेश्वर की राज्य आएंगे 1000 साल की राज्य में, इजरायली जनता भी परमेश्वर को जानेंगे, हालेलुया, वो लोग भी प्रभु के भवन में आएंगे, परमेश्वर के काम को करेंगे, हालेलुया। आज परमेश्वर कम जानना है, उसके विश्वास योग्यता को समझना है। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आपके विश्वास योग्यता है, इसी से मैं टिक पाता हूँ। मेरे विश्वास योग्यता से नहीं प्रभु, मेरे कर्मों से नहीं प्रभु, मेरा कुछ भी निर्णय से भी नहीं प्रभु, मेरा कुछ भी ताकत से नहीं प्रभु, आपका कृपा से मैं टिकता हूँ, यही आप समझोगे। प्रभु के पीछे चलते रहो मेरे भाई, अगर आप गिर गए तो भी उठो, निराश में है तो भी आशा को धारण करो, आशा को पहन लो, यीशु को पहन लो। यीशु ही सच्चाई गडरिया है, कभी हम घटी नहीं होंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।